बहुत ही जिंदा दिल जिला प्रतापगढ़ से है, लेकिन इन दिनों अपने कारोबारी मामलात की वजह से वो मुंबई में मुकीम है। हिंदुस्तान के बड़े नुमाया शोरा में उनका शुमार होता है। साल में कम से कम 50 मुशायरों का इनेकाद करते हैं, यानी कि बड़ी बड़ी मुशायरों की महफिलें उत्तर प्रदेश, दूसरे सूबों में और बिलखसूस मुंबई में सजाना ये उनकी आदत और उनका हिस्सा है। लेकिन इन सब के बावजूद भी उनके सीने में जो एक बेबाक लहजा है, उस लहजे से अब आपको मुतारिफ होना है। जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए। मैं जनाब जमील असगर से गुजारिश कर रहा हूं, तशरीफ लाएं और अपने कलाम से नवाजें। बहुत बहुत शुक्रिया शाहबाद वालों। इमरानुल्लाह खान का शुक्रिया अदा करता हूं। आपको बता दूं मैं इनका क्लाइंट भी हूं। एक साल पहले मई के महीने में हमारी इनकी मुलाकात हुई थी। पहले झगड़ा हुआ, फिर दोस्ती हुई। नहीं, मुकदमा भी बता रहा हूं, दोस्ती हो गई। एक हफ्ते के बाद मैंने कहा यार मेरा एक ऐसा ऐसा केस है, तुम देख लो। बोले ठीक है। मैंने कहा खर्च क्या आगे? बोले यार तुम दोस्त हो, खर्च की कोई बात नहीं। मैं ठहरा प्रतापगढ़ का, वकीलों के बीच में पला बड़ा हूँ। मैंने कहा ये कितना भी बड़ा दोस्त बन जाए बिना खर्चा लिए मानने वाला नहीं है। फाइल निकालने के टाइम इन्होंने जूनियर भेज दिया। इन्होंने कहा कोई खर्चा नहीं चाहिए। वो बोला खर्चा दो। मैंने दिया। मैंने बोला यार इमरान भाई ये तो खर्चे मांग रहे हैं। बोले यार वो दे दो, जूनियर लोग हैं और फीस वो सीनियर के लिए। यहाँ पर और भी एडवोकेट आए थे, तैयब आए थे, अक्रम आजाद आए थे, उनके भी हम क्लाइंट रहे हैं। लेकिन सबसे कामयाब वकील इमरान साहब साबित हुए हैं। आप इनका जोरदार तालियों से इस्तकबाल कर दें। और ये मुशायरा ये पिछले साल जून में करना चाहते थे कि आम की दावत करना चाहते थे। बोले दो शायर आ जाओ। मैंने कहा दो शायर में कोई मुशायरा नहीं हो सकता। लेकिन एक साल से ये जसारत करते करते आज ये मुशायरा कराए। आप मुशायरे के लिए मुबारकबाद। अब मैं सीधे सीधे आपको शेर सुनाता हूँ। दिल से शुरू करता हूं, अगर आपने सुना तो दिल्ली तक ले चलूंगा। चरागे आरजू मेरा बुझा के, चरागे आरजू मेरा बुझा के, परेशान फिरते हैं झोंके हवा के। सितम ये है वही गद्दार निकला, जो कहता था किससे बहुत वफा के। सितम ये है वही गद्दार निकला, जो कहता था किससे बहुत वफा के। उसने मेरे कमान की जब तीर तोड़ दी, उसने मेरे कमान की जब तीर तोड़ दी, मैंने भी उसके हाथ की शमशीर तोड़ दी। उसने भी होंठ पे होंठों को रख दिया, मैंने भी अपने सब्र की जंजीर तोड़ दी। वाह। बहुत सज धज के घर से कुछ वकील साहब, अरे वकील साहब इमरानुल्लाह साहब ये बताइए इस केस में धारा कौन सी लगेगी आईपीसी की? भाई 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 एक बार जोरदार ताली इनके लिए। हाँ, क्योंकि अगर सब्र की जंजीर टूट जाए तो उसके बाद आईपीसी की कौन सी धारा में काम चलेगा? धारा मत बताइए, दरोगा जी बैठे हैं यार, मुझे घर जाना है। बहुत सज धज के घर से कुछ दिनों से तो निकलता है, बहुत सज धज के घर से कुछ दिनों से तो निकलता है। क्या कहना, अंधेरी रात में जैसे कोई जुगनू निकलता है। कभी भी फेसबुक ट्विटर पे हर किसी इश्क मत करना, जिन्हें रजनी समझते हो वही राजू निकलता है। देख लो दरोगा जी, साइबर का मामला आएगा तो इन सबको पहचान लेना, ये सब रजनी ढूंढते हैं। आइए एक नज्म सुनाता हूँ। नज्म का उन्वान है बेवफा लड़की। अच्छा, कहीं नहीं जाएगी यार, जब नहीं नज्म हाथ में रह गई थी। इरशाद, वो दिखती फूल जैसी है मगर दिल खार है उसका। वो दिखती फूल जैसी है मगर दिल खार है उसका, कि उसका खूबसूरत जिस्म ही हथियार है उसका। उसका खूबसूरत जिस्म ही हथियार है उसका। कभी तुम भूल कर भी उसके झांसे में नहीं आना, कभी तुम भूल कर भी उसके झांसे में नहीं आना। नए लड़के घुमाना रोज उसका व्यापार है उसका। हजारों बेकसों को दे चुकी है वो दगा लड़की, वो है एक बेवफा लड़की, वो है एक बेवफा लड़की। वफाओं की वर्सी एक पल में तोड़ देती है, वफाओं की वर्सी एक पल में तोड़ देती है।
बड़ी आसानी से खुद को किसी से जोड़ देती है। बहुत दिन तक किसी से उसका आराना नहीं रहता। किसी का हाथ थामे तो किसी का छोड़ देती है। सभी के साथ रहना सभी के साथ रखना चाहती है राबता लड़की। वो है एक बेवफा लड़की, वो है एक बेवफा लड़की। बहुत बड़ी वो तो मैं समझता हूँ। आइए मैं जिस तेवर का शायर हूँ, आगे भाई साहब आप उस तेवर की शायरी सुनाता हूँ। आप सही टाइम पे आए हैं, हम ही थोड़ा जल्दी आ गए थे। जो हमने तुमको दी है उसी सौगात में रहो। जो हमने तुमको दी है उसी सौगात में रहो। खैरात वाले लोग हो खैरात में रहो। हम जिद पे आ गए तो समझ ही मत पाओगे। हर जिंदगी से पाक तो औकात में रहो। है जिंदगी से प्यार तो औकात में रहो। हमारे खून के हर कतरे में सच्चाई शामिल है। हमारे खून के हर कतरे में सच्चाई शामिल है। ये किसने कह दिया तुमसे वफादारी नहीं करते। कभी फुर्सत मिले तो आजमा कर देख लेना तुम मोहम्मद वाले दुश्मन से भी गद्दारी नहीं करते। भाई बहुत बढ़िया। आखिरी शेर पढ़ता हूँ कि हमारे वास्ते इंसाफ वाला भेज दे मौला। हमारे वास्ते इंसाफ वाला भेज दे मौला। अंधेरों में घिरे हैं हम उजाला भेज दे मौला। जमी को फिर जरूरत है किसी ईमान वाले की। उमर फारूक का कोई जियाला भेज दे मौला। ठीक है रे इमरानुल्लाह साहब माला वाला पहनाइए। और मैं बिल्कुल आपके और जमील असगर साहब के बीच में दीवार नहीं बनना चाहता। और माला पहनाइए आप। हाँ मेरी जान। हाँ हाँ भाई क्लाइंट हो तो ऐसा और वकील हो तो ऐसा। भाई ये है इसे कहते हैं रिश्ता। और दूसरी बात ये कि मैं एक बात कहना चाहता हूँ। आपने वाकई बहुत जोशीले अंदाज में जमील असगर को दोबारा बुलाया है। जब शायर को दोबारा बुलाया जाता है तो इसका मतलब कि सामईन की जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। जमील असगर साहब अगले 15 मिनट आपको अब अपना कलाम सुनाएंगे। मैं बीच में बिल्कुल भी कोई डिस्टर्बेंस नहीं करूंगा। 15 मिनट तक जमील असगर साहब आपको मुसलसल आपको शायरी सुनाएंगे। आप अच्छे से इसी तरह से पूरे अंदाज में सुनिए। जमील असगर आपके हवाले, आप जमील असगर के हवाले और आप सब अल्लाह के हवाले। बाकी यह है कि जमील असगर को अच्छे से आप सुने भी और दादो तहसीन से नवाजे। जमील असगर आपका समय शुरू होता है अब। ठीक है एक नज्म और सुनाता हूँ। नज्म आप जुड़कर सुन लीजिएगा, आखिर में तालियां बजा दीजिएगा। नज्म का उन्वान है मुसलमान और आतंकवाद। अब जो हालात हैं ऐसे कभी हालात न थे। अब जो हालात हैं ऐसे कभी हालात न थे। जहन में परा इतने गंदे ख्यालात न थे। दूध की नहरें बहा करती थी चारों जानिब। शम्मे उल्फत की जला करती थी चारों जानिब। पहले हर सिमत वतन में थी मसरत की बहार। पहले सब खुश थे हर एक दिल को मैसर था करार। धीरे धीरे वो बहारों का समा जाता रहा। राहतें जिसमें थी वो दौर कहां जाता रहा। अपनी कोताही और गफलत का नतीजा ये है। अपनी हद दर्जा शराफत का नतीजा ये है। आंधियां जुल्म की चलने लगी शहरों शहरों। नदियां खून की उबलने लगी शहरों शहरों। मुल्क में हर तरफ फैल गए आतंकवादी। देखते देखते इंसान की हुई बर्बादी। मुंबई हो कि कश्मीर अयोध्या जयपुर। देश भर के लिए आतंकवाद हुआ है नाचूर। आओ ये अहद करें ये खाएं कसमें। देश से अपने मिटाएंगे जुनू की रस्में। अपना हालात की जद में होगा कोई मजबूर। अब किसी मांग से भी लेने नहीं देंगे सिंदूर। हमको गद्दार जो कहते हैं बता दो उनको और तारीख का आईना दिखा दो उनको। देश पर जब भी कोई वक्त आया है तो जान हमने दी। जब भी दंगा हुआ तहरीके अमा हमने दी। आज भी अपने सीने में है हमीदी जज्बा। आज भी देश किसान हमी से है जिंदा। हम मुसलमान ईमान के रखवाले हैं। सर से बांधे हैं कफन देश के मतवाले हैं। हमको आता ही नहीं भारत से बगावत करना। अपना ईमान वतन से है मोहब्बत करना। जो मुसलमान है वो खूंखार नहीं हो सकता। मुल्क और काम
शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अभी वक्त बाकी है, फिर बुलाऊं? आइए 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 आइए, अभी और सुनिए और सुनिए और सुनिए और सुनिए। चलो हाँ यार, वो आधा पीछे इधर उधर बैठे हैं, जुड़ के बैठते हैं, ऐसा लगा वो पीयू के है, जुड़ के बैठे तो मजा आता है सुनाने में भी। योगी जी है ना गर्मी शांत करने के लिए। आ जाइए आ जाइए आ जाइए आ जाइए, बिल्कुल चलो उन बेकसों के गम को चलकर कम किया जाए। आहा, चलो उन बेकसों के गम को चलकर कम किया जाए, हमें भी अपनी इन आंखों को कुछ पल नम किया जाए। किसी के इश्क में पागल सा होते जा रहे हैं हम, कोई आयत हमें भी आज पढ़कर दम किया जाए, कोई आयत हमें भी आज पढ़कर दम किया जाए। हाँ मेरे बारे में पूछता मुझसे, मेरे बारे में पूछता मुझसे, पर अकेले में पूछता मुझसे, उसको सब कुछ बता दिया होता, गर इशारे में पूछता मुझसे, गर इशारे में पूछता मुझसे। इधर भी देखना पड़ेगा, हर जेब से शायरी निकलेगी। जी नहीं, यहाँ नया पहली बार आया हूँ, जो सुनाऊंगा सब नया होगा। आप 2 रुपए की MB खत्म लगा के सुन लोगों से पुराना थोड़ी होगा। डाउन नहीं होगी, चार्ज करके तभी जाऊंगा। वो अपनी खूबसूरत जिंदगी नासूर करती है, वो अपनी खूबसूरत जिंदगी नासूर करती है, वफा के हर आईने को चूर करती है, अना खुददारी गैरत सब मिलके रोने लगते हैं, जरूरत हाथ फैलाने पे जब मजबूर करती है।